जोरदार तालियां इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। वो कहा जाता है तालियां तो वो नहीं बजाते जिनमें जान नहीं होती, और आप तो हमारे हरियाणा की हमारे भारत की शान हो। तो एक बार जोरदार तालियां जिस कौशल बोध के साथ आप लोगों ने मुझे सुना है। मेरा मानना है कि मेरी टीम जो आज मेरे साथ आई है कवि सम्मेलन के लिए, आप उनको भी उसी कौशल बोध के साथ सुनेंगे। मेरे एक फोन के आग्रह पर यहाँ पधारी सुमन सेन, आप सभी इनका तालियों के साथ स्वागत कीजिए। प्रोमिला मैम, बोल हरियाणा टीम की तरफ से रोहतक से केदर तक का सफर इन्होंने तय किया है, जोरदार तालियां इनके लिए भी। उसके बाद संतोष कोगिला मैडम अपने पति के साथ यहाँ पर आई हैं, उनका भी स्वागत कीजिएगा। रवि यादव सर, रेवाड़ी से खेदड़ तक का रास्ता इन्होंने भी तय किया है, इनके लिए भी जोरदार तालियां। सतीश सांगवान सर, खड़े होकर के सभी का अभिवादन स्वीकार कीजिएगा। सर सतीश चोपड़ा, रोहतक से खेदड़ तक का सफर इन्होंने तय किया है। जापान सांगवान बोल हरियाणा की तरफ से हमारे बीच में पधारे हैं, उनका भी स्वागत है। बलकार हरियाणवी आपके पीछे आ रहे हैं, उनका भी अभिवादन कर दीजिएगा। पत्रकार टीम में इंद्रपाल चाहर गलियारा एडिटर यहाँ पर आए हैं, उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। चंडीगढ़ से खेदर तक का रास्ता तय किया है राजेश शर्मा, ऑनलाइन मिशन न्यूज टीवी ने, जिनको आप देख सकते हैं सुन सकते हैं। आज एक नन्ही परी दृष्टि यहाँ पर पधारी है, उनका भी स्वागत कीजिएगा। सीमा पानू नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट टेनिस में चंडीगढ़ पंचकुला से आज यहाँ पर आई है, उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। पंचकुला में आज वो कोचिंग देती है, और स्वागत कीजिएगा आपका अपना अनूप कुंडू, रह गए अनूप कुंडू यहाँ पर आए हैं, रवि पद के एडिटर हैं, उनका भी स्वागत कीजिएगा। और अब देखती हूँ कितनी तालियां खुद के लिए बजाओगे, जोर लगा दो जितना है, दिखा दो कि खेदड़ में कोई न कोई कार्यक्रम चल रहा है, और खेदड़ का भविष्य, हमारे हरियाणा का भविष्य, हमारे भारत का भविष्य यहाँ पर बैठा है। और सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगी इन फोटोग्राफरों का, जो इस पूरे कार्यक्रम को संजो करके बहुत लंबे समय तक आपकी स्मृति में रहेंगे, जिन्हें आप देखोगे और याद करोगे कि जब मेरा स्कूल का समय था तो मैं ऐसा था। धन्यवाद करना चाहूंगी, ये कौशल बोध बनाए रखिएगा। और दो पंक्तियां देना चाहूंगी कि आपने जो प्यार दिया, आपने जो प्यार दिया उसकी हमेशा ऋणी रहूंगी। ये कौशल बोध और अपनी समान दृष्टि मुझ पर बनाए रखिएगा। धन्यवाद, सुनते रहिए, चलता रहिए। जोरदार तालियां नन्हे बच्चे खुशी के लिए, जितना हौसला इसने यहाँ तक आने के लिए किया है उतनी तालियां मेरे ख्याल से नहीं बजी है। ये हाथ गोद में देने के लिए नहीं, यहाँ पर तालियां बजाने के लिए खोल लीजिए। मैंने पहले भी कहा है कि जो खाना खाकर आते हैं वही ताली बजाते हैं, नहीं तो कुर्सियों पर भी बैठ कर लोग सुस्त आते हैं। तो तालियों की कमी नहीं रहनी चाहिए, साल में एक दिन इन बच्चों को दे दीजिए ताकि इनका भी हौसला बना रहे। अनीता कुंडू हमारे बीच पहुंच चुकी है, चंद मिनटों का इंतजार अब और है, वो बेटी आपके सामने होगी जिसने अपने हौसलों की बुलंदियों को छुआ है। किसान आज, पहले मैं दो पंक्तियां आपको देना चाहूंगी कि जो जज्बा जुनून हो जिसमें वो फूले नहीं समाते हैं, जो जज्बा जुनून हो जिसमें वो फूले नहीं समाते हैं, और जो कुछ करने की ललक रखते हैं वो इतिहास रचाते हैं,
शब्द शक्ति ऐसी बोलने से पहले तोलना, और जिस जिसने पिया हो अपनी माँ का दूध वही भारत माँ की जय बोलना। अब मैं देखती हूँ अपनी माँ के दूध की कितनी लाज रखते हैं। एक नारा सभी के सभी मेरे साथ लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की जय जवान। तो उस किसान की बेटी होने के नाते अब वो दो पंक्तियां मैं आपको देना चाहूंगी कि मेरे देश का किसान आज लग्या खावण जहर गवार बता, और सोई नींद में ना ली अंगड़ाई क्यों बैठी चुप सरकार बता, सोई नींद में ना ली अंगड़ाई क्यों बैठी चुप सरकार बता, फुर्सत ना खावण नहावण की हो रे कपड़े लीरम भीर, और पूरा एक भी ना होया खवाब होई झीरम झीर, सूखा मारिया बाढ़ मारगी कदे बिजली का कट मार गया, सूखा मारिया बाढ़ मारगी कदे बिजली का कट मार गया, और कदे उलझा हुए पारी तय कदे सरकार का बजट मार गया, कदे उलझा सरकार हुए पारी तय कदे सरकार का बजट मार गया, आत्महत्या करी मजबूर आत्महत्या करी होके मजबूर यू गया अपनी तहार बता, और सोई नींद में ना ली अंगड़ाई क्यों बैठी चुप सरकार बता, सोई नींद में ना ली अंगड़ाई क्यों बैठी चुप सरकार बता। कोई बच्चा अगर रहता है तो आ सकता है, वरना इस बीच फिर मेरी दो पंक्तियां और मैं सोशल साइट के जमाने को देना चाहूंगी। किरण, मेरे एक अनुरोध पर इस साउंड की इको प्लीज थोड़ा और कम कर दीजिए। मेरे एक अनुरोध पर ही यहाँ पहुंची, अपना इलाका खेदर को नीता कुंडू मानती है, इनके ऊपर कुछ लाइनें में बोलना चाहूंगी। अनीता मैम आप सीधा ऊपर आइए एक बार। हरियाणे का मान बढ़ावे सियान अनीता में बैठ जाइए आप सभी। हरियाणा को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, सुमन सेन, संतोष कोकिला, रवि यादव, सतीश चोपड़ा, सतीश सांगवान और प्रोमिला दीदी को मैं विशेष रूप से यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी, बलकार हरियाणवी। अगर कोई नाम रह गया हो तो छोटी बेबे सोच के, बेटी सोच के माफ कर दियो, अपने आप स्टेज पर आ जाइयो। तालियों में कमी नहीं रहनी चाहिए, मैंने पहले ही बोला था कि दिखा दो खेदड़ में कोई ना कोई प्रोग्राम हो रहा है, और वहां पर जो अतिथिगण आए हैं उनका इतने अच्छे से स्वागत हो रहा है। ये तालियों की गूंज इस गांव के इस कोने से उस कोने तक जाने चाहिए। जोरदार तालियां। अभिवादन करते हुए सरपंच ईश्वर हेड़ी, पक्का तो नहीं जानते साहिब कह सकते हैं, दलवीर ईश्वर हेड़ी। अनिता जी का अभिवादन करेगी सतीश चोपड़ा, प्रोमिला मैम एक फोटो पूरे स्कूल स्टाफ का, और उसके बाद एक फोटो पूरी बोल हरियाणा की टीम का। अनिता मैम के साथ रमेश सर बड़ी जद्दोजहद के साथ रहते हैं, हर प्रोग्राम में पहुंचते हैं, आज भी फोटोग्राफी की भूमिका अदा कर रहे हैं, नीचे जरूर खड़े हैं लेकिन इनके लिए तालियां तो बजनी चाहिए। हेलो सीमा पानू स्टेज पर आइए, भूल गई थी मैंने पहले ही कहा था कोई नाम अगर रह गया हो तो आ जाइयो, शर्म की कोई बात नहीं, अपना ही काम है अपना ही स्टेज है। Yeah.
राजवीर सर आ जाओ एक बार आप भी। राजवीर सर शमशेर सर सर शेर सर अनिता बहन की मौसी जी उन्हें उनका अभिवादन करना चाहेंगी। देख लो ये हुआ है कि एक तो हमारे काम की लुगाई बैठ के शरमाया करे हैं लेकिन भरी भीड़ में तो अकेली आगे बोली मैं माड़ा कर लूंगी। इतनी हिम्मत रखती है मेरे गांव की औरतें। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मैंने पहले ही बोला था दिखा दो हमारे स्कूल में भी कोई दम है। राजवीर सर जोरदार तालियां। अब अपने लिए बोल हरियाणा की टीम रह गई। अब थोड़ी सी क्लैपिंग थोड़ी सी क्या बहुत जोरदार क्लैपिंग इन फोटोग्राफर के लिए। फोटो उतार तो दिए लेकिन कोई साथ में ना पाया। यहाँ पंडाल में बैठे सभी व्यक्तित्व का परम दायित्व बनता है कि वो तालियों के साथ बाप और कुल अपने की तने कर दी तने पढ़ाई है तेरे जैसी बेटे पैकर हिंदुस्तान गर्व अनिता बेटे मरे हरी आप मैं आज करूँ तने दिल ते प्रणाम अनिता बेटे। विपरीत परिस्थिति में भी तेरा सर झुका नहीं। विपरीत परिस्थिति में भी तेरा सर झुका नहीं और माइनस डिग्री में भी कदम तेरा रुका नहीं। तेरी खातिर गाती रहे या रीमन गान अनिता बेबे मैं आज करूं तने दिल ते प्रणाम अनिता बेबे। मेरा गांव जिन चीजों के लिए जाना जाता है एक आप देख रहे हैं इनके कौशल बोध को बड़ी आदर के साथ ये पूरे के पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं सुन रहे हैं। वही समाज सेवा में हमारा गांव अग्रणी है। राजवीर सर आपके सामने बैठे हैं बड़े अच्छे गो भक्त हैं। इनकी यहाँ उपस्थिति अपने आप में गौरवमयी है तो जोरदार तालियां इनके लिए। तालियां वो नहीं बजाते जिनके मन में जिनके हौसलों में और जिनके शरीर में जान नहीं होती। अरे आप तो हमारे खेदड़ की श्यान हो स्वाभिमान हो अभिमान हो कम से कम इसकी तो लाज रखिए। लक्ष्य को इन कलमों से शब्दों की बरसात ना होती तो कविता से भीगी ये सौगात ना होती। वो कवि है जो आईना दिखाते हैं ये कवि है जो आईना दिखाते हैं वरना तुम जैसे श्रोताओं से मुलाकात ना होती। वरना तुम जैसे श्रोताओं से मुलाकात ना होती। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सभी कविगणों को और इनके अभिनंदन के लिए प्रोमिला मैम को मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी। कविता को मेरे गांव ने बहुत अच्छी तरह से सुना है वरना आज मेरी इन कवियों को अपने गांव में बुलाने की हिम्मत ना होती अगर आप मुझे इतने कौशल बोध के साथ ना सुनते। तो ये जो विश्वास है वो आज भी बनाए रखिएगा और आगे भी बनाए रखिएगा। ये कार्यक्रम
रोहतक से, रेवाड़ी से, हांसी से जो भी कवि आए हैं, ये जाकर के ये कहे कि हाँ हमने खेदड़ में कोई कार्यक्रम किया था और वहाँ के श्रोताओं ने मुझे इतना प्यार दिया। तालियां बजती रहनी चाहिए। उस कविता का मैं तो अपने गामड़ा ने बुकाया करूं कविता का मामला में, असली कवि तो आ जाए हैं। मैं इतनी अच्छी लघु कथाएं बोलते हैं कि हर कोई इनका सहने हो जाए। उसके बाद सतीश चोपड़ा सर रोहतक से आए हैं, बलकार हरियाणवी गोरखपुर से आए हैं, चरखी दादरी से आई हैं सतीश सांगवान, सुमन सैन रोहतक से आई है और प्रमिला मैम भी रोहतक से आई हैं, संतोष कोकिला जैसा कि नाम से ही पता चलता है इतनी मीठी इनकी आवाज है, आप आज सुनकर के मान